We are paid, that's all. We are God. तो दोस्तों इंडियन एनिमे ब्रोस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले टॉप 10 डार्क पावर एनिमेस के ऊपर जिसके पास हिडन या फिर डेमोनिक पावर होंगी। जी हाँ दोस्तों, डीमन एनिमे जैसे। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि इन 10 के 10 एनिमेस को कोई भी लड़का हेट कर सकता है, क्योंकि इन एनिमेस में डीमन है, पावर है, मैजिक है, एक्शन बैटल्स है, सब कुछ है दोस्तों जो कि एक लड़के को चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 10वें नंबर पे यू क्यू होल्डर नगीमा 2। दोस्तों ये एनिमे जो वो 2017 में रिलीज हुई है 12 एपिसोड की। जी हाँ दोस्तों, इसमें डीमन कम वैम्पायर है, मार्शल आर्ट्स है, बहुत सारी फाइटिंग है और कई सारा मैजिक भी है। इसकी कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी टीचर के साथ रह रहा होता है, कि उसे कोई भी जानकारी नहीं कि उसके माता पिता कौन है और वो टीचर के पास कैसे आया। लेकिन ये आपको सीरीज में धीरे धीरे देखते हुए पता चलेगा, ये मिस्ट्री खुलेगी कि ये कौन है और कहां से आया है और इसकी टीचर कौन है जो इसे पाल रही है। आपको पहले एपिसोड में ही पता चल जाएगा दोस्तों ये वैम्पायर एंड इमॉर्टल एनिमे क्यों है। तो इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, इसमें आपको कई सारे ब्लडी फाइट्स भी देखने को मिलेंगे, तो इसे जरूर देखना दोस्तों। इसकी रेटिंग है 7.12 की, लेकिन बहुत ही अच्छे एनिमे दोस्तों। 9वें नंबर पे गारो द एनिमेशन। तो दोस्तों इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक किंगडम है जहां पे माकाई नाइट्स और अल्केमिस्ट मिलके सुपरनैचुरल विलन से लड़ते हैं और किंगडम को बचाते हैं। लेकिन किंगडम में कोई राजा को भड़का देता है कि ये लोग उनके लिए खतरा है, तो इसीलिए राजा ऑर्डर देता है कि इन सारे माकाई नाइट्स को साफ कर दिया जाए। जी हां दोस्तों, जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे उन्हें ही मारने का ऐलान कर देता है और सारे को बहुत ही बुरी तरह जला के मार दिया जाता है। लेकिन अकेला एक छोटा सा लड़का बचता है जिसे उसके पापा ने बचा लिया होता है लास्ट में, और वो बड़े होने तक कहीं और जाके ट्रेनिंग करता है। लेकिन अपना पुराना किंगडम जो है जिसके राजा ने ये सब किया था, वो किंगडम अब तबाह होने के कगार पे है और कई सारे सुपर नेचुरल क्राइम्स हो रहे हैं। तो इन्हें बचाने के लिए तो अब मकाई नाइट्स भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद ने ही जला दिया उन्हें। तब वो जो है अपना मेन कैरेक्टर जो लड़का बच चुका था, तब वो यहाँ पे अपने होमलैंड पे आता है उसे बचाने के लिए। और किस तरह से इनका एडवेंचर शुरू होता है ये देखने में आपको काफी मजा आएगा। इसमें आपको कई सारा ड्रामा, एक्शन, बैटल, स्वॉर्ड और तो और अपने मेन कैरेक्टर में हिडन डिमोनिक पावर भी है, तो इसे जरूर देखना दोस्तों, आपको जरूर पसंद आएगा। इसकी रेटिंग जो है वो 7.50 की है और ये 24 एपिसोड्स का है। तो 8वें नंबर पे काबानेरी ऑफ द एंड फॉर्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, इस एनिमे के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि यह एनिमे जो वो अटैक ऑन टाइटन जैसा है। जी हाँ, और इसीलिए कई लोग जो सोचते हैं ये तो अटैक ऑन टाइटन का कॉपी है। तो मैं मानता हूँ इसमें कई सारे बातें जो वो अटैक ऑन टाइटन जैसी है, लेकिन ये अटैक ऑन टाइटन जैसा है इसीलिए मैंने इस एनिमे को पहली बार देखा था और मुझे समझ में आ गया कि इस एनिमे भी अपना खुद का टेस्ट है। और ये भी एक अच्छे एनिमे दोस्तों जिसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, ज्यादातर ट्रेन टू भूषण जैसी लगी अगर आपने देखा होगा तो वो मूवी। लेकिन इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें टाइटन्स के जगह पे है काबाने, यानी कि ज़ॉम्बीज जिनकी भूख कभी भी नहीं मिटती और इनका जो कोर यानी कि हार्ट है उनका दिल वो स्टील का होता है। इन्होंने जो वो पूरे वर्ल्ड में कब्जा कर ही लिया है, लेकिन यहाँ पे भी अटैक ऑन टाइटन जैसा कई सारे वॉल वाले सिटीज है जिसकी वजह से अभी भी ह्यूमैनिटी जिंदा है। एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रेवल करने के लिए कई सारे हेवी आर्मर ट्रेन होते हैं और अपना मेन कैरेक्टर जो है वो ऐसे ही किसी सिटी में रहता है और आगे आने वाली मुसीबतों से लड़ने के लिए वो एक ऐसा हथियार बना रहा होता है जिससे कि वो इन ज़ॉम्बीज को मार सके। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि ये टाइम इतना जल्दी आ जाएगा, उसका वेपन तैयार भी नहीं होता है। तभी उसकी सिटी में इन ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है और किस तरह से अपने हीरो को पावर मिलती है, क्या करता है, कौन सा हिडन पावर है, ये आपको देख लेना चाहिए दोस्तों। कि मुझे लगता है कि अगर आपने इसका एक दो एपिसोड देख लिया तो फिर अटैक ऑन टाइटन जैसा ही इसे देखते ही जाओगे, तो इसे जरूर देखना दोस्तों, ये 12 एपिसोड का है खाली। 7वें नंबर पे टोक्यो रेवेंस। जी हाँ दोस्तों, ये एक एक्शन, मैजिक, एग्जॉर्सिस्ट, डीमन एनिमे है, लेकिन इसमें रोमांस भी है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी रोमांस स्टोरी भी है, अगर आपको रोमांस पसंद है तो इसे जरूर देखना। एनिमे को स्टार्ट करने पर आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक ठाक है, चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे आपको मजा आता रहेगा दोस्तों और लास्ट में आप कहोगे वाह क्या एनिमे था। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये एनिमे जो बेसिकली एग्जॉर्सिस्ट जैसा है। जी हाँ, ये लोग जो है डीमन को मारने का काम करते हैं और इसीलिए इनकी एक एकेडमी भी है। जी हाँ, जहाँ पे ये लोग ये सब सीखते हैं। तो अपना जो मेन कैरेक्टर है वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता है दोस्तों, पहले से बेसिकली को तो लूजर होता है, लेकिन धीरे धीरे किस तरह से अपना मेन कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है और उसका हिडन पावर जो है वो सामने आता है, ये देखने में आपको काफी मजा आएगा। इसके जो सारे दोस्त है या फिर इसकी स्पिरिट है, इसके बारे में अगर एक एक करके बात किया तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है। इसकी रेटिंग जो है वो 7.73 की है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हाई रेटिंग और ये 24 एपिसोड का है। 6 नंबर पे है पूरा द राइज ऑफ द योकाई क्लैन। दोस्तों इस एनिमे की कहानी कुछ ऐसी है कि अपना जो मेन कैरेक्टर है वो दिन में एक नॉर्मल बच्चा होता है और वो नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है,
लेकिन रात में एक योकाई होता है यानी कि एक मॉन्स्टर। इनफैक्ट उसका जो दादाजी होता है वो मॉन्स्टर्स का लीडर होता है, लेकिन अपने मेन कैरेक्टर को मॉन्स्टर बनना ही नहीं है, इनफैक्ट उसे नॉर्मल ह्यूमन बन के ही रहना है। लेकिन जब उसके दोस्तों पे मुसीबत आती है, इनफैक्ट इनके पूरे फैमिली पे मुसीबत आती है, तो उसे मजबूरन योकाई बनना पड़ता है। इसमें खास बात यह है कि रात में वो योकाई बन के जो भी करता है, जिसे भी बचाता है, उसे वो दिन में याद ही नहीं रहता, क्योंकि दिन में तो वो एक डरा हुआ बच्चा होता है, नॉर्मल ह्यूमन, और रात में वो एक ऐसा योकाई होता है जो किससे भी नहीं डरता और सबकी फाड़ के रख देता है। तो दोस्तों ये बैडास एनीमे भी है और जीरो टू हीरो भी, इसमें आपको काफी मजा आएगा। इसके टोटल 2 सीजन है और इसके जो ओपनिंग एंड एंडिंग सॉन्ग है वो तो बहुत ही अच्छे, तो इसे जरूर देखना दोस्तों। 5वें नंबर पे द लेजेंड ऑफ द लेजेंडरी हीरोज। यहाँ दोस्तों इसके टाइटल पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये टाइटल जो है इसका मिसलीडिंग है, इसका टाइटल बहुत ही क्लिचे लगेगा आपको, लेकिन इसका जो एनिमे दोस्तों वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर है वो अगर पावर खो दे तो दोस्तों इनसेन हो जाता है, बिल्कुल ही पागल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो किसी को भी मार सकता है उसके सामने जो है। मैं जानता हूँ कि ये बात जो हम लोगों ने कई सारे एनिमेज में देखे होंगे, जैसे कि नारुतो का कंट्रोल खो देना, लेकिन दोस्तों अपना मेन कैरेक्टर जब कंट्रोल खोता है वो किस तरह से हंस हंस कर सबको मारता है, ये देखने में मुझे बहुत ही ज्यादा बैडास लगा। कि अपना जो मेन कैरेक्टर है उसकी जो आंखें है वो शापित है, जिसे कहते हैं अल्फा स्टिग्मा, और इसकी जो आंखें वो हमेशा तबाही लाती है, लेकिन ये एनिमे जो वो एक एडवेंचर डीमन वॉर हिस्टोरिकल एनिमे है दोस्तों। 4वें नंबर पे है बियॉन्ड द बाउंड्री या फिर क्योकाई नो कनाता। दोस्तों इस एनिमे की कहानी कुछ ऐसी है कि अपनी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है इसमें मिराई, वो अपने क्लैन की एक लौती सर्वाइवर है। जी हाँ, वो एक अकेली लड़की है जो कि अपने खून से हथियार बना सकती है दोस्तों, और इसीलिए उसे एक ऐसा मिशन दिया गया है जिसमें उसे कहा गया है कि उसे ऐसे मॉन्स्टर्स को मारना है जो कि लोगों के नेगेटिव इमोशंस का कारण होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, नफरत, गुस्सा, ऐसे चीजों के पीछे कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं और उसे ही इसे मारना है। लेकिन एक दिन एक स्कूल के टेरेस में उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जो कि हाफ ह्यूमन एंड हाफ मॉन्स्टर है। जी हाँ, और वो कुछ समझ नहीं पाते और हड़बड़ी में अपने ब्लड से एक बड़ा सा स्वर्ड बना के अपने हीरो के आर पार कर देती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अपना हीरो जो है वो तो इमॉर्टल है और उसे मारा ही नहीं जा सकता। और किस तरह से ये दोनों मिलके काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराते हैं, आपको देखने में काफी मजा आएगा। इसमें काफी सारे प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि अपने मेन कैरेक्टर का असली आइडेंटिटी क्या है। इस एनिमे की रेटिंग 7.87 है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है दोस्तों, और इसे बनाया क्योतो एनिमेशन है जो कि काफी अच्छी एनिमेटेड मूवीज बनाती है, तो मैं इसे डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। ये एक रोमांस एंड डीमन एनिमे दोस्तों। 3रे नंबर पे ओवारिनो सेराप। दोस्तों इसके टोटल 2 सीजन है और ये एनिमे जो है मुझे बहुत ही ज्यादा हटके लगा, क्योंकि इसमें जो भी सीन्स है या फिर बैटल सीन्स है या फिर इमोशंस है वो मुझे किसी भी एनिमे में अभी तक दिखाई नहीं दिए। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दिन जो एक वायरस रिलीज होता है जो कि 11 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सारे एडल्ट और बड़े लोगों को मार देता है। जी हाँ, और इस वायरस का फायदा जो है वो वैम्पायर्स उठाते और वैम्पायर्स जो है वो पूरे अर्थ में कब्जा कर लेते हैं, और यही वैम्पायर्स जो है सारे छोटे बच्चों को अपने साथ रखते हैं और ये बच्चे जो है वो बहुत ही बुरी हालत में इनके पास रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन अपना मेन कैरेक्टर और उसका दोस्त अपने सारे दोस्तों को लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है, और ये प्लान जो था उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। सारे दोस्त जो है वो मर जाते हैं इसके सामने ही इसे बचाने के लिए, और तभी अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही दुखी होकर भाग रहा होता है उस केव से। तभी उसे एक इंसान मिलता है जो कि इतना स्ट्रांग होता है कि जो कि वैम्पायर से भी लड़ सके, क्योंकि नॉर्मली वैम्पायर जो है वो ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। बहुत ही अच्छे एनिमे, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। और जब अपना मेन कैरेक्टर कंट्रोल खो देता है तब दोस्तों काफी मजा आने वाला आपको देखने में, तो इसे जरूर देखना। इसकी रेटिंग जो है वो 7.63 की है। तो दोस्तों 2रे नंबर पे ब्लू एग्जॉर्सिस्ट। दोस्तों अभी तक कई लोगों ने इस एनिमे को नहीं देखा, जबकि इस एनिमे को मैंने कई सारे लिस्ट में डाला ताकि लोग इसे देख ले, क्योंकि इसमें आपको एग्जॉर्सिस्ट प्लस नारुतो वाली फीलिंग आएगी, जीरो टू हीरो और अपने मेन कैरेक्टर को किस तरह से लोग हेट करते उसके हिडन पावर्स की वजह से, तो ऑफकोर्स इसे जरूर देखना दोस्तों। 1वें नंबर पे 2017 का ब्लैक क्लोवर। जी हाँ, 51 एपिसोड का ब्लैक क्लोवर जो कि ऑन गोइंग है अभी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एनिमे जब रिलीज हुआ था कई लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे इससे, क्योंकि सब लोग कह रहे थे ये तो नारुतो का कॉपी है, ये तो फेरी टेल जैसा थीम है इसका, और तो और आस्था अपने मेन कैरेक्टर का जो वॉइस एक्टर है वो सच में कान फाड़ने वाला वॉइस निकालता है। तो दोस्तों ऐसे कई सारे कंप्लेंट्स थे, लेकिन मैंने फिर भी इसे ट्राई किया, और जैसे जैसे सारे लोग इसे देखते गए तो उन्हें पता चला कि ये सिर्फ नारुतो या फेरी टेल जैसा नहीं है, बल्कि इसमें खुद का भी एक यूनिकनेस है। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करता हूं, इसकी कहानी कुछ ऐसी है। 2 लड़के होते हैं जिन्हें चर्च के सामने छोड़ दिया जाता है, उनमें से एक होता है आस्था जो अपना मेन कैरेक्टर है, और एक होता है यूनो। आस्था का पर्सनालिटी जो है वो बेसिकली नारुतो जैसा है और यूनो का साजुके जैसा। जी हाँ, बिल्कुल ही ऑपोजिट और सीरियस। और इस टाइमलाइन में जो है सबके पास मैजिक है,
नॉर्मल किसानों के पास भी मैजिक है, लेकिन अपने मेन कैरेक्टर के पास बिल्कुल ही मैजिक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जीरो। इसीलिए सब लोग इसका मजाक उड़ाते, लेकिन फिर भी अपना मेन कैरेक्टर हार नहीं मानता। वो रोज बॉडी बनाता और ट्रेनिंग करता है, लेकिन सब लोग इसके ऊपर हंसते, क्योंकि जहां पर मैजिक का जमाना चालू है वहां पे इसकी बॉडी क्या काम आएगी। और इसी तरह ये दोनों निकल पड़ते विजार्ड किंग बनने के लिए। विजार्ड किंग दोस्तों पूरे किंगडम में जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड होता है, यानी कि जादूगर होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होता है। और तो और आस्था और यूनो जो है एक दूसरे के राइवल है, लेकिन एक दो एपिसोड के बाद आपको पता चलेगा कि अपने मेन कैरेक्टर में क्या पावर है और ये डीमन से रिलेटेड क्यों है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ब्लैक क्लोवर तो इसे जरूर देखिए दोस्तों, ऑन गोइंग है, बहुत ही अच्छा एनिमे है, मैं इसे सबको रिकमेंड करता हूँ। ये जीरो टू हीरो, इसकी रेटिंग पे बिल्कुल भी मत जाना, ये एनिमे बहुत ही अच्छा चल रहा है। और दोस्तों अब ये मत कहना कि इसमें मैंने सेवन डेडली सिंस क्यों नहीं दिया। सेवन डेडली सिंस मैंने बहुत सारे लिस्ट में दे दिए, मुझे पता है आप लोगों ने इसे देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो उसे जाके देखिए। और तो और इन सारे दसों के दस को, जैसे कि मैंने पहले कहा फिर से कह रहा हूँ, जरूर देखना दोस्तों, ये दस के दस मस्ट वॉच है, और इन दस में से कोई भी एक एनिमे आपका फेवरेट भी बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।